हमके एक दिन थी हम पता लगा ले कि प्रज्ञा ऐसा काहे कर दिया। जो ना प्रज्ञा के आप लोग घर में लेके आए रहने ना, हम वह प्रज्ञा के वापस लेके आई। अगर कल सब ठीक ना भयल तो बेटा प्रज्ञा हमेशा ला ऐसा ही रही जैसे अब भी है। हम ओकरा से बात कह के बात के हल निकालब। नाना अभी कहले रहल कि हम ओके एक दिन दी तो हमके कल तक इंतजार करे के चाही ना। हे भगवान हमरा परिवार के केहू के नजर लग गेल बा। हमरा परिवार के बुरा नजर से बचाइए भगवान। बस कल सुबह सब पहले जैसन कर दे ही। हे भगवान हमके ऐसन काहे लागल जैसे वहां प्रज्ञा बिया। रचना ये तू का कर रहल बाड़ू? का भेल एकरा के? ये भारी सामान उठा लेलस। पता ना कि एकरा बोललस। अरे आप लोग कुछ बोलत काहे नहीं? के उठोलस ओकरा से सामान? बोलत काहे नहीं आप लोग? ओ हम ना जब किचन में जात रहनी ना आकाश तो हम दादी के बोलत सुन ले रहनी कि ओ स्टूल है ना उठा के उधर रख दी। आप कहनी दादी, आप कहनी रचना से ही काम करे खातिर? अब जाने ली नहीं प्रेग्नेंट भैया, अब ऐसे नौकर की तरह काम करवा रहल बानी। कितना भारी बा स्टूल, हालत देखी एक करे के कुछ हो जात तो? हम तो जाने ली, हम जाने ली। अब काहे कर रहल बानी? अब चाहत रहनी कि आकाश की शादी केहू और से हो जाओ, लेकिन हम आकाश की शादी रचना से करवा देनी। अब आप एक ही बदला ले भी चाहता नहीं। आकाश रचना से शादी कर ले लग एमे ही बच्चा की का कसूर बा? ओकरा पे तो तरस खाई। बस हम अगर कुछ बोली लेना तो एकर मतलब ई नहीं खे तू जे बोलू हम सुनत ही रहब। तहरा के हम सबसे अच्छा बहु मन ले रहनी, तहरा के हद से ज्यादा प्यार कैनी, और अब तहरा के तहर हद पार करे ना देव। आज तक केहू भी हमरे सामने ए तरह से बात करे के हिम्मत ना जुटा सकेला, और तहरा के भी हमको हक ना देता नहीं हमरे साथ ए तरह से बात करे के। हक तो सब आपके बिया ना। आप कुछ भी करी और केहू आपसे कुछ ना कहे। केहू कुछ यही से ना कहला काहे कि सब डरे ले आपसे। इज्जत यही से आपके करेले का है कि आपसे डरेले, लेकिन हम चुप ना रहा। अब जाने ली ना कि आकाश रचना से प्यार करेला, फिर का सोच के आप आकाश की शादी क्यों और से करवावे चाहत रहनी? बाकी सभी घर में डर के मारे अपन आंख बंद कर सकेले, लेकिन हम ना करब। आकाश की शादी रचना से हम करवावले बानी। रचना हमारी जिम्मेदारी है, ओकरे साथ कुछ गलत ना होके देब हम ही घर में। अगर ओकरे साथ कुछ गलत भयल तो हम आवाज उठाई जरूर हमरे सामने चाहे केहू भी होके। हमके एक दिन थी हम पता लगा ले कि प्रज्ञा ऐसा काहे कर दिया। जो ना प्रज्ञा के आप लोग घर में लेके आए रहने ना, हम वह प्रज्ञा के वापस लेके आई। हमरा सबर की इम्तिहान मतलब तहरा के घर के बहू बनावे के फैसला हमार रहल, और आज तक हमार फैसला कबो गलत ना भइल बा। अगर तू हमसे ए तरह से बात करबू तो हम यही सोचब कि तू ही हमार सबसे बड़ और पहली गलती बारू। और रहल बात एक कर, ऐसे पहले ई तो पूछ ली कि हम एक एक कौनो काम करे खातिर कहले बाकी ना। एक मिनट, हम पूछा था नहीं रचना का तोहरा के दादी ना
आकाश, एक्चुअली दादी तक कौनो नौकर के तहत रहनी ई काम करे खाते। पर हम सोचने की अगर हम ही काम करते तो शायद दादी हमके पसंद करे लगी है। काहे कर रहल ब्याई ऐसन, सच पता चलला के बाद भी माफी न मांगलस, ई त हद ह। दादी हमके माफ कर दी, हमके ई सब करे के होखी ताकि आप हमसे नफरत करे लगे और हमके ई घर से निकाल दी। हम तोरा से कहले रहनी ना कि जब तक रिपोर्ट ना आ जा तब तक तू दादी से बात ना करबू, लेकिन तू फिर से उनका हर्ट कैलू, उनका दिल दुखैलू। हम कोनो भी तरह अपने आप के रोक खता नहीं, लेकिन अगर तू ना रुक लू ना तो हम तोरा कबो माफ ना करब। ये तो हम चाहता नहीं कि जैसे आप रिएक्ट करत बानी वैसे दादी रिएक्ट करे, वो भी कभी माफ ना करी हमके। उनके लागे की हमके ये घर में लेके आए उनके जिंदगी के सबसे बड़ गलती बा और वो हमके ये घर से खुदे निकाल देवे। तू समझत काहे नहीं, तनु प्रेग्नेंट नहीं खे, वो झूठ बोला तारी। झूठ आपके लागत बा, सच हम जानत बानी। कबू तो सोच ले बाड़ू कि अगर अगर तनु के रिपोर्ट नेगेटिव आ गिल तो तू हमार दादी और पूरा परिवार के दिल दुखेले बाड़ू, ओकरा कैसे ठीक करबू तू। दादी जॉन बोली हम करब, जब तक वो हमके माफ न कर दी है उनकर हर सजा मंजूर होगी हमके, लेकिन अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आवे ले तो आप का करिए, आप सोच ले बन। तो आप हमके ऐसन करे से ना रोकब ताकि दादी हमसे नफरत करे लागे, हमके खुदे ही घर से निकाल देवे और आप तनु के अपन बीवी बना सके और उकर बच्चा की ई घर के नाम मिल सके। देर हो रहल बा, तनु इंतजार कर रहा लोखी। अभी सेंटा क्रूज ले लो, सोनिया मेहता के क्लिनिक में। तुम के बेवकूफ समझता रहूं, हम तोहरा बताइल क्लिनिक पे जाइब काहे? हो सकेला तू कोनो प्लान बनाई ले होगू, ऐसा सेटअप बनाई ले होगू जहाँ पे सब कुछ तोहरा हिसाब से होगी। आई कांट बिलीव तू इतना बताइल गेल बड़ा, वो अभी जे हम पे इतना भरोसा करत रहे, आज ऐसा बात कर रहा बड़े। आई कांट बिलीव की वह तनु बिया जकरा पे हम इतना भरोसा करत रहे। तू बदल गई बड़ो, यही से हम के भी बदले के पड़ल। हम बदल गई बानी, अभी तू बदल गई बड़ा। जब से किडनैप होके आयल बड़ा पता ना अजीब सा बिहेव कर रहल बड़ा, गई रहे अभी पता ना आयल कौन है। हाँ, हम भी जब से किडनैपिंग से आयल बड़ी तब से हम भी तोरा में चेंजेस देखता रहे। पहले तो सिर्फ तंग करत रहलू, अब इरिटेट करे लगलू। हम इरिटेट कर ले तो क्या? हाँ। हाँ? बस करिए आप दोनों, आप लोग की समझ में ना रहल बा कितना छोट से बात पे आप लड़ रहल बड़े। और तनु का फर्क पड़ जाये, हमनी कोनो भी क्लिनिक में जाये, मतलब तक टेस्ट करवाओ इसे बाना और बेहतर होगी की तू ये टेस्ट इनके बतावल क्लिनिक पे करवाई ताकि बाद में ये रिपोर्ट्स की झूठा ठहरावे के बहाना ना बना पावे। चला जहां चले के बा, लेकिन प्लीज ये बात पे कौन बहस मत करा। हेलो, हाँ हम तोरा से वो प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात कर ले रहनी ना, तो अपन वाइफ से बात कर ला। हाँ, वो क्लिनिक में ही भी है। ठीक बा, हम ऐसा पहुंचा था नहीं। अभी कौन डॉक्टर के पास ले जा रहा बड़ा? जानवर के डॉक्टर के पास। तब पूरब ई होटल में रुकल बा, अब देखा हम का करत बनी।
चार दिन में हम तहरा के इतना करीब ले आई कि तू फिर कबो बुलबुल के पास जा ही ना चाहब। हाय, कहाँ पहुंचला तू लोग? फैंटास्टिक, यू नो व्हाट, आई विल सी यू इनसाइड इन अ मिनट। अभी तुम के कहाँ लेके आए बड़ा? कौन क्लिनिक का डॉक्टर के बा? हमके सब कुछ जाने के बा। कहे? तू आपन टेस्ट करवावे के बदले डॉक्टर के टेस्ट लेवे आयल बाड़ू और तुमसे ही खाते मिले चाहत बाड़ू ताकि तू आपन रिपोर्ट बदल सका ना। तू कौन तरीका से बात करेला? जब देखा गुस्सा, जब देखा ताना। What's wrong with you? There's something wrong with me. What's something wrong with you? तू हमके फोर्स कर रहा बाड़ू अपने साथी ऐसे बिहेव करे खातिर। हम डॉक्टर से मिल के आवता नहीं। इतना परेशान काहे लग रहल बिया? एक्सक्यूज मी, ई क्लिनिक के करबा? आई मीन यहाँ के ओनर के बा? ई क्लिनिक यहाँ के ओनर कुछ अच्छा ही नाम रहे मैडम उनकर, याद ना आ रहल बा। तनु, तू इतना टेंशन में काहे बाड़ू? एगो टेस्ट ही तबा, कहीं तू वाकी टेस्ट करवावे से डेरा तो ना रहल बाड़ू? प्रक्या, हम टेस्ट के वजह से टेंशन में नहीं खे। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ मॉडल। यहाँ पे देखने के रहो कितना सब लोग बा। अगर बाहर के यूं के पता चल गए कि हम यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करावे आई बनी था, और अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव भी आ गए, और अगर अभी हमके एक्सेप्ट ना कह लगता, यू नो ग्लैमर वर्ल्ड में कितना कॉम्पिटिशन बा। एक मॉडल दूसरा मॉडल के बदनाम करे खातिर कुछ भी कर सकेला, और अगर यहाँ से न्यूज बाहर गई तो हमार इमेज खराब हो जाए, हमार करियर तो खत्म हो जाए। हम उ बारे में सोच रहल बाने, उ ना सोच रहल जे तू सोच रहल बाड़ू। I'm sorry, तू फिकर मत करी, हम तेरे प्राइवेसी के पूरा ख्याल रखब। ई क्लिनिक के बाहर क्यों के ना पता चले कि तू ये प्रेगनेंसी टेस्ट करवावे आयल बाड़ू। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आपके बुला रहल बाने। तनु चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस कम इन। ओ हेलो, आप हमके लागल के हो और बा, प्लीज आई ना। बैठी, हम आपसे कब से मिले चाहत रहनी, लेकिन कबो चांस ही ना मिलल। आपके बारे में आपके हस्बैंड से बहुत सुन ले बानी, आप खड़ा काहे बानी? बैठी ना, प्लीज सिट। ई कहाँ कहाँ गेल बानी? वो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे गई बानी, अभी आवते होगी हैं। यू नो मेन विल बी मेन, आपन वाइफ से जुड़ल कौनो भी बात उस सीधा तरीका से करी ना पावेले, हमेशा घुमा फिरा के करेले। आई मीन अभी हमके डायरेक्टली कह सकत रह लेना कि उनके अपन वाइफ के प्रेगनेंसी टेस्ट करावे के बा, लेकिन इतना सस्पेंस अब इनके के समझावे। आई विश आपके रिजल्ट पॉजिटिव निकली और आप प्रेग्नेंट ही होके। अभी के फैंस खातिर ऐसे बड़ न्यूज और कहाँ हो सकेले कि उनकर चहेता रॉकस्टार के घर में एको बेबी रॉकस्टार आवे वाला बा, और फिर आपके खातिर भी ऐसे बड़ा खुशी के बाद और कहा हो सकेले। आपके बच्चा आपके और अभी के रिश्ता के और भी स्ट्रॉन्ग बनाई। ली आपके हस्बैंड भी आ गई ले। और तू सच बतावे में इतना शर्म आवत रहे, बात तो ऐसे करत रहला जैसे पता ना केकर चेकअप करवावे के बा। माय हस्बैंड वाज राइट, तहरे हर बात में एक दूसरा बात के मतलब छिपल हो खेला। यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। एनीवेज यू ऑल जस्ट स्टे हियर, हम टेस्ट की तैयारी करत बानी।
आपकी कोनो और डॉक्टर ना मिलत रहनी? अगर ये मिलत रहनी तो एकरा की सच ना बता सकत रहला? ना अच्छा भाई, नाम ना बताइले। अब बिना नाम बताइले टेस्ट होगी। काहे? काहे के का मतलब है? काहे कि हम एक्सपोज ना होल चाहता नहीं। पता ही नहीं डॉक्टर के बा कितना ट्रस्ट वर्दी है, कल के मीडिया में बता दे लगता। पर नाम तो बतावे के पड़ी ना। ना भी, तू नाम ना बताइबे ना तो हम। वरना का? यहाँ से सीधा हम तार घर जाए और सबके हमने की रिलेशन के बारे में बता दे। जितना भी हमने झूठ बोले बने, जितना भी छुपले बने, सब बता दे। तू ऐसा ना करबो। ऑर्डर दे रहल बाड़ा हमके, कौन हक से? तोरे डाउट रहे ना हमारे प्रेगनेंसी पे, तो के सबूत चाहत रहे ना, तो हमारे प्राइवेसी के भी ध्यान तो के ही रखे के बाबी, क्यों के भी पता ना चले के जाएगी हम प्रेग्नेंट बानी। और अगर तुम्हार जीत की वजह से क्यों के पता चलल और अगर हमारे रेपुटेशन पे कुछ असर पड़ल तो हम उहे करब जो हम कह रहल बानी। और फिर तुम्हार रेपुटेशन के का होगी ओकर जिम्मेदार तू खुद हो। एक बार तू ऐसे का देखा तारू, हम कुछ ना कही नहीं, वो झूठ बोला तारी ताकि एकरा टेस्ट ना करावे के पड़े। बस एक बार ही टेस्ट हो जाए, वो रिपोर्ट हमरा पास आ जाए, फिर उकरा बाद हम देखा एकरा के। अब चला, इससे पहले वो डॉक्टर के भी इन्फ्लुएंस कर दी। चला कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सके कि तनु प्रेग्नेंट ना भी है? हे मिसेस आकाश मेरा, हाउ फीलिंग नाउ? पेन कैसन भाभी? हाँ रचना, रचना ए? हाँ आकाश, आराम से का भेल? कुछ पूछनी हम? का पूछ लिया? का सोच रहल बाड़ू? प्रज्ञा दी के बारे में सोचत रहनी। आई मीन तहरा के ना लगा था कि कुछ वियर्ड बिहेव करत रहनी हूँ। हाँ ठीक बा, शायद हमारा हालत देख के उनके गुस्सा आ गई, वो इतना कुछ बोल देनी। लेकिन जब हम बतावनी कि दादी हमके वो काम करेला ना कहनी, फिर भी वो कुछ रिएक्ट ही ना कहनी। I know you are right. कुछ तो अजीब रहे। I mean, वो दादी के कितना रिस्पेक्ट करेलिन? दादी के साथ ऐसन ऐसन रूडली बात कैल और गलती कई के माफी ना मांगा ली, ये प्रज्ञा भाभी नहीं हो सकत। I'm sure there is something wrong. ऐसा लगा तो हमसे कुछ छुपा रहल बड़े। ता आकाश तू उनसे ये बारे में काहे ना बात करत बड़ा? Don't worry. उनकरा वापस आओ थी हम उनकरा से बात करब। हम कैसे भूल सकते हैं यार प्रज्ञा भाभी के कई एक एक एहसान। हम आज जवन भी बानी, जवन भी चेंजेस आयल बा हमार लाइफ में, सब उनकरे वजह से आयल बा। कितना कुछ कैले बाड़ी वो हमरा खातिर, और अगर वो कोनो प्रॉब्लम में बाड़ी तो इट्स माय प्रॉब्लम कि हम उनकरा हेल्प करी और हम करा। कहा भाई चेकअप रूम? पता ना यही जे कहीं बतावले रहनी। हम ही पूछत बानी, एक्सक्यूज मी ई चेकअप रूम कहाँ बा? कौन चेकअप रूम? उहे जहाँ पे चेकअप होखेला। मैडम हम समझ गए नहीं, लेकिन यह हर टेस्ट और हर चेकअप खातिर अलग अलग रूम बा। आपके कौन टेस्ट करावे के बा? पेट के। जब पेट फूल जाला ना ओकर। ओहो गैस के प्रॉब्लम बा? ना स्टूपिड, पेट फूले ला ना, मतलब फूले से पहले जे चेकअप होखे ला ना उ चेकअप रूम। ओ मतलब गैस होखे वाला बा। देखो हमार दिमाग पहले से बहुत खराब बा, और सर में दर्द मत करो। मैम आप पहले डिसाइड कर ली आपके करे के का बा। अगर आपके सर में दर्द हो रहा ना तो ओकर चेकअप यहाँ ना होखेला, और अगर गैस के प्रॉब्लम बा ओकर आप दवाई ले ली, और अगर दिमाग खराब बा तो मेंटल चेकअप रूम ओहर बा। तू ही पूछ ला, हमें के ना झेल पाई इडियट।
What a funny guy. तोरा पता बा कंपाउंडर ना कॉमेडियन होके चाहत रहे। वैसे तू फिल्म में काम काहे नहीं करत? क्या बताएं सर, हमारे भी एगो दुख भरल दास्तान बा। अच्छा, हम आयल तो यहाँ एक्टर बने ही रहनी, लेकिन ई कहानी फुर्सत में बताइया। अच्छा ई बतावा कि प्रेगनेंसी चेकअप रूम कहाँ बा? आप कहाँ है प्रेगनेंसी टेस्ट रूम पूछ रहल बानी? चेकअप करवावे के बा। केकर? हमार। कहाँ मजाक करता नहीं। जब समझ में आ गए तो टाइम वेस्ट कहाँ करता रहे? रूम कहाँ बा? नीचे ओहर। गुड बाय। चला चला। अरे तू बताइलू ना, तू अपन मॉम के भी बोले ले बड़ू। माँ? हाँ। कहाँ वाली? वहाँ। चला मिल के आवल जाए। अरे ना चला। अरे का भाई, तू ऐसे काहे छुपता रहू जैसे दुश्मन हमला कर देले होके। माँ से मिलब तो बोल, अब का करे आयल बानी यहाँ? अरे यह कि हमनी प्रेगनेंसी टेस्ट। उड़ी बाबा, लेकिन तू इनकरा बुलाइलू काहे? हम ना बोलावनी तो का ये भी चेक करायल बानी कि तनु प्रेग्नेंट बिया कि ना? रुक रुका, यहाँ का करल बाड़ू? हम यहाँ चेकअप करावे आयल बानी। चेकअप? हाँ चेकअप, नॉर्मल चेकअप। और आप? हम यहाँ बुलबुल के कुछ रिपोर्ट भुला गई रहनी, उहे ले भी आयल बानी। अभी कहाँ चल गए रहला हमके छोड़ के? जहाँ हम गए रहनी ना, वहाँ पे सिर्फ दो लोग के जगह रहे। सामान कमरा में रख दी। पूरब खन्ना ई बताहर रूम ठीक हमरा रूम के सामने। इस सोच के भी हमके कितना अच्छा लग रहल बा कि हम तारे इतना पास बानी और हमने के बीच केहू भी ना। एंड आई प्रॉमिस यू, आज रात या तो तू हमरे साथे हमरे रूम में होबा या हम तारे साथ तारे रूम में होखब। और ई रात हमने के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट रात होगी। या एक्चुअली डू वन थिंग, ओकरा साथ मीटिंग फेस करा, हम कुछ टाइम में आवत नहीं। ओके थैंक यू। सब हो गए मैडम? सॉरी का कर ला तू? हम मैडम दिखाई देता नहीं। सॉरी सर, लेकिन यहाँ अभी मैडम रहनी। तू जाके हमारा कमरा साफ करा। ओके सर, हम हाउसकीपिंग से बोला था नहीं। या सॉरी पूरब, हमें तहरा के सरप्राइज देवे के बा, तो हम अभी तहरे सामने ना आ सकब। आप सबके डॉक्टर साहब अंदर बुलवनी हा। आप लोग बैठी, हम बुलावत आनी। माँ के भी यही हॉस्पिटल में आवे के रहे, अगर वो हम के देख लेती तो एक और प्रॉब्लम हो जाती। रिलैक्स प्रज्ञा जी, ऐसे टाइम पे टेंशन ना लेवे के चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं टाइम पे तो टेंशन होवे ले। परी टेंशन ना है, ये तो खुशी की बात है ना। आप ना समझिए डॉक्टर साहिबा। आई कैन अंडरस्टैंड प्रज्ञा जी, पर टेंशन ले से होखे वाला बच्चा पे बुरा असर पड़ी। हेलो ये डॉक्टर, ये बच्चा कहाँ से आ गई? प्रेगनेंसी टेस्ट तो अभी बाकी बा ना। कुछ केसेस चेहरा से ही पता चल जाला। हाँ, एकरा चेहरे से तो सिर्फ झूठ के पता चलेगा।
का कहला तू? डॉक्टर कहनी। आई, हम टेस्ट शुरू करे तानी। तू भी जा। ई का है? उ कहा ना डॉक्टर, हम सोचने की यहाँ पे आ ही गल बनी तो अब लगे हाथी भी टेस्ट करवा ली बाना? ही प्रेगनेंसी टेस्ट है, कौनो नॉर्मल टेस्ट थोड़े ना बा, ऐसे कैसे केहूं भी करवा ली ही? जे भी केहूं के मतलब? डॉक्टर लेकी भी आई, केहूं भी टेस्ट करवा सकेली? हाँ, हमार मतलब बा, जब ई ना कह रहल बिया, तो आप काहे इंसिस्ट कर रहल बानी? अरे डॉक्टर, हम इंसिस्ट नहीं कर रहल बानी, इहे इंसिस्ट कर रहल बिया, इहे कहत रहली कि हमके टेस्ट करवावे के बा, बहुत शौक बा टेस्ट करवावे के, और खास करके प्रेगनेंसी टेस्ट। व्हाट? अब हमार मतलब है कि कौन लेकी माँ ना बने के चाही, और ई कहत रहली हमसे के हमके भी टेस्ट करवावे के बा। ओके फाइन, तो फिर पहले इनकर फिर इनकर? ना ना ना, पहले इनकर। हमर प्रेगनेंसी टेस्ट काहे करवा रहल बानी आप? करवा ला ना, कौन तोहर वजन कम हो जाई। हां, ओहो, कुछ समझ ना आ रहल, पहले के टेस्ट करवावे के बा। एक मिनट वेट, हम बता बतानी, टेस्ट हमार करावे के बा, इनकर ना, अब क्लियर बा? तो इनकर हस्बैंड कहां बानी? डॉक्टर पहले आप टेस्ट करवा दी, हस्बैंड मदर फादर डॉगी पुसी एड्रेस पिन कोड सब लाके दे दी तोरा के। ओके फाइन, तो आप अंदर चली, आप यही जे रुकी और आप बाहर जाई। हम बाहर कहे जाए? आप प्लीज बाहर वेट करी, जब टेस्ट पूरा हो जाए तब हम आपके इन्फॉर्म कर दे, प्लीज चली। हे शश, का भेल? यहाँ वा, तनु पे नजर रखिया। काहेला? बहुत स्मार्ट भी हो, कहीं वो रिपोर्ट्स ना बदलवा दे। आपके डॉक्टर बाहर वेट करेला कहले बानी ना? तू तो ऐसे बिहेव करता रहू जैसे सच में प्रेग्नेंट हो गए बाड़ू। ओह नो, ये तो फिर आ गई, अब कहाँ छुपी? एकरा हेरे छोड़ देने ये लोग, काहे आपन काम भी ठीक से ना करेलन, लगा था हमके ही करे के पड़ी। कहाँ ले जात बा हम रखे, कहीं ऑपरेशन थिएटर में ना ले जाए। अरे का भाई, के है ये? अरे वो 17 नंबर के पेशेंट बा, पता बा ना, जो 3 महीना से ही पड़ल रहे। हाँ हाँ, आज लोड़ा गेल बेचारा। अरे रे रे रे, इके घर वाला ना आए का? लागा था 2-3 दिन बाद आई हन। चला तनी हेल्प करा, मॉर्च में चला जा। एक मिनट रुक, तनी हमें करे रख क्या हो तनी। भगवान आत्मा की शांति देकर। आप चाहत रहनी कि आकाश की शादी केहू और से हो जाओ,
पर हम आकाश की शादी रचना से करवा देनी। अब आप ऐसे बदला लेवे चाहता नहीं। बाकी सब एक घर में डर के मारे अपन आंख बंद कर सकेले, लेकिन हम ना। हम अंदर आ सकेले? दादी आप प्लीज हमके माफ कर दी। हम यहाँ केहू के दिल दुखावे ना आयल रहनी। हम तो कभी सोचले भी ना रहनी कि हम आपके परिवार के हिस्सा बनम। पर अब जब आ गई बानी तो दादी ही आपके आशीर्वाद के बिना ना हो पाई। हम जानी ले कि आप हमके माफ ना करिए। आप तो हमके मौका देलू रहलू ना कि हम शादी कर ली, लेकिन हम ही रहनी जे अपने ईगो में आपके भी लिहाज ना कही। आकाश भी हमके कितना बार कहलक, लेकिन हम ओके हमेशा मना करत रहनी। यही से दादी प्रज्ञा दी के ई कदम उठावे के पड़न। दादी अगर आप हमके माफ ना करबू तो कौनो बात ना। प्लीज प्रज्ञा दी के माफ कर दी। काहे कि उचे भी कहीं नहीं, सब हमरा ला कहीं नहीं। ई बच्चा के एकर पापा के नाम मिले यही खातिर कहीं नहीं। ई सब के जिम्मेदार हम बानी दादी। आप समझ ली कि ऐसन करे खातिर हम उनके मजबूर कहीं नहीं। दादी आप हमार बच्चा से तो नाराज नहीं थे ना? आप हमार गुस्सा हमरे बच्चे पे तो ना निकली है ना? अब कितना रोवाई भू, इधर आओ, इधर आओ, बैठा हमरे पास। देखा बेटा, ना तो हम तहरा से नाराज बानी, ना तो तहरे ही बच्चा से। हम तो नाराज बानी प्रज्ञा से, जेके हम अपन बेटी की तरह बहुत प्यार कईनी। वो जाने ले, अच्छा तरह जाने ले, जैसन वो बिहेव कर रहल बिया, हमके बहुत बुरा लग रहल बिया। ओके पता बा, पता बा ओके। हम भरोसा के साथ कहता नहीं वैसन ना बिया, फिर वैसन काहे कर रहल बिया। बस एक दिन और, फिर हम बात करब उनसे, पूछब उनसे ओकर प्रॉब्लम का बा, बीच के बात का बा। प्रज्ञा यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास का करा दिया। प्रज्ञा तू यहाँ का करल बाड़ू? आप यहाँ का करल बानी? हम तो बुलबुल के रिपोर्ट ले भी आयल रहनी, लेकिन तू यहाँ का करल बाड़ू? चक्कर चक्कर आ रहल बा हमके ऐसे डॉक्टर के देखा वे के बा। चक्कर आ रहल बा तोरा? अच्छा बच के नहीं पता बा, अभी अभी हम तोहर मम्मी के देखनी, और बड़ा मुश्किल से तोहर मम्मी। बेटा जी आप भी आयल बानी एकरे साथे? आप भी यहाँ पे बानी? बेटा जी ई आंटी जी आप भी काहे? हम यहाँ काहे ना सकीले? काहे के अब आप दोनों ही जगह करल बानी? गुड आंटी, हमारा मतलब बाकी चेकअप, चेकअप, चेकअप करवावे? प्रज्ञा के चक्कर भी आ रहल बा, और ये डॉक्टर हमार तो दिमाग ही खराब बा। हमके पहले समझ जाए के चाहत रहल कि तोहर तबियत खराब हो रहल बा, तोहरा के चक्कर आ रहल बा, और गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में बैठल बाड़ू, और तू हमके खुशखबरी देवे वाला बाड़ू ना? खुशखबरी हमके काहे ना देलू? कौन से खुशखबरी? देख तू हमसे छिपावा मत, हमके पता बा तू यहाँ पे आयल बाड़ू तो कौनो खुशखबरी बा। तू माँ बने वाला बाड़ू?
मतलब आप माँ हम माँ हम नहीं के हम कैसे प्रेग्नेंट हो सके माँ काहे तू प्रेग्नेंट काहे ना हो सके लू काहे कि हम हो सके लेकिन अचानक आपके दिमाग में ये कैसे आए ला मैं अचानक पहले कौन सा बात बा नहीं 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 मतलब हम हाँ मतलब हम तू ज्यादा बात मत बनावा ना हम बोलत रहनी कि हम बोल हम अकेले काहे बोल रहल बानी आप कुछ काहे ना बोलत आंटी भी तो सही बोलत है ता ना आप गलत समझत नहीं आंटी जी हम गलत समझ रहल बानी आप हमके एगो बात बताई यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में बैठल बिया एक चक्कर आ रहल बा त यहाँ पे एकर चेकअप करवावे आइल होखी है ना आई टेस्ट करावे त आइल ना होखब नहीं ना जैसन बा ना वैसन ना बा और जैसन ना बा वैसन बा समझ लू हम समझावत बानी ना आपके ऊ बाहर चल के समझावत बानी चला चला बाहर चला ना प्रज्ञा एक मिनट हमार बात बाहर मौसम अच्छा बा ना देखी ना मौसम कितना अच्छा बा मां चक्कर चक्कर आवत रहे हमके सर में तो सर में दर्द हो गई तो दर्द खाती डॉक्टर के पास जाए होला लेकिन ई तो गायनिक है लेकिन ई गायनिक जीबा ना इनकर मैनेजर के वाइफ है तो ई ही डॉक्टर के पास आई नहीं आप आप ज्यादा मत सोचिए हाँ हाँ प्लीज प्रज्ञा जी अभी बस दो टेस्ट बचल बा ओकरे बाद ई कंफर्म हो जाए कि इनकर सर के दर्द ठीक होगी या जिंदगी भर ऐसे ही रही है करेक्ट डॉक्टर बना यह कह चाहते नहीं ना आप माँ ये भगवान जी प्रज्ञा भी इतना जोर से काहे घुमाई लो हमके काहे कि घूम रहल बा ना सर हमार घूम रहल बा जैसे चक्कर से आप भी घूम गई नहीं चक्कर हाँ बेटा जी या ऐसन वाला इशारा वाह 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 और वाह का लिखल बा हेयर प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन बॉय और गर्ल नॉट डन इट्स अ पनिशेबल एक्ट वैसे जान तो जान हो खेला ना बॉय हो खे या गर्ल का फर्क पड़ेगा वैसे थैंक यू सो मच डॉक्टर आप हमने दोनों के इतना बड़ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना था ये सोच सोच के दिमाग खराब होते रहे कि अगर एकर दिमाग खराब हो गया तो हमार दिमाग के का होगा दिमाग लेकिन हम तो वो अरे टेस्ट ना टेस्ट भी करवाई लेकिन बाद में करवाई क्या है कि अभी अभी तो माँ आ गई नहीं ना मामा अभी के साथ रहे और बाद में टेस्ट लेकिन आप तो कहले रहनी कि आपके टेस्ट हाँ। टेस्ट के खातिर मना कर दे ली कहे कि इनके लागत रहले कि आप 5 दिन वाला टेस्ट के बाद करता नहीं इनकरा के हो बता दे कि ई वाला टेस्ट बा तुरंत कर लेती ठीक बा पहले हम उनका टेस्ट कंप्लीट कर लेता नहीं फिर आपके ए, ए, ए एक मिनट उनकर केकर आप आंटी जी अब उनका इनका टेस्ट मेरा मेरा उनकर इनकर तो हम ही हो गई नहीं ना हमार टेस्ट के बात करता नहीं और वैसे भी हम क्लिनिक में आ ही गल बानी तो सोचत रहनी के पूरी बॉडी चेकअप करवा ली पूरा के पूरा पति हमार पति हमार वो इनकर उनकर है वो आपके भी टेस्ट होके के बा एक मिनट हमके कुछ समझ में नहीं आ रहा बा एक ही चक्कर आ रहा बा एक का टेस्ट आपके टेस्ट अगर हम यहाँ खड़ा रहनी ना तो हमके बीपी के टेस्ट करवावे के होगी हम जात बानी वैसे भी घर में बुलबुल के दवाई देवे के टाइम हो गए होगी हम जात बानी हम भी तो वह बुलत रहनी